हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोना सेंटर, मोना स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 2, द फ्रेंडली मंगूस। आइए सबसे पहले इसमें कुछ हाईलाइट दिए हुए हैं। ये हाईलाइट जो होते हैं वो कहानी का ही मेन पॉइंट होते हैं। इससे हमें पता लगता है कि कहानी के अंदर क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि हाइलाइट्स में क्या दिया हुआ है। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उसका बेटा रहते थे। देयर वॉज आल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस। वहाँ उस घर में एक छोटा बच्चा, नेवले का छोटा बच्चा भी रहता था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन। हु दे बिलीव्ड, जिसमें उनका विश्वास था कि वह उनके बेटे का साथी बनेगा। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और भविष्य में उसका दोस्त होगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट, लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन क्या हुआ, किसान और उसकी पत्नी उस अपने बेटे और उस नेवले को घर में अकेला छोड़कर कहीं चले गए। चलिए अब देखते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं कि कहानी हमें क्या बताती है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। जो कहानी होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में रहती है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज होंगी वो सारी ही पास्ट टेंस में होंगी, यानी कि सेकंड फॉर्म में होंगी। तो चलिए देखते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहते थे। यहाँ पे देखिए लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड है। दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, वे क्या सोच रहे थे कि हमें एक पेट। पेट क्या होता है, पालतू। कोई भी हम पालतू जानवर रखते हैं उसे पेट बोलते हैं, कि हमें एक पेट जरूर रखना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, किसान ने अपनी पत्नी से एक दिन बोला, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पैट विल बी अवर सन्स कंपेनियन। अब वो कह रहे हैं कि वो जो पालतू जानवर होगा वो हमारे बच्चे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को उसका वह विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। एक शाम की बात है, जो किसान है वो अपने साथ एक छोटे से नेवले को लेके आया। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, ये तो छोटा सा नेवला है। बट विल सून बी ग्रोन, फुल्ली ग्रोन, परंतु जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और यह हमारे बेटे का दोस्त होगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू। अब क्या हुआ, बच्चा और नेवला दोनों ही बड़े हुए। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। पाँच छः महीने बाद क्या हुआ, नेवला तो अपने फुल साइज में आ गया। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनी ब्लैक आइज, एक प्यारा सा जानवर जिसकी दो चमकीली आंखें थी और एक बशी टेल थी, जबरीली टेल। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, लेकिन जो किसान का बच्चा था वो अभी भी छोटा सा ही था, 6 महीने का, जो कि अभी पालने में था, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। और वो उसका बस एक ही काम था, स्लीपिंग और क्राइंग, रोना और सोना और रोना। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या हुआ, जो किसान की पत्नी है वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। फेड मतलब फीड की सेकेंड फॉर्म होती है। उसने अपने बेटे को खाना खिलाया एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उस झूले को झुलाकर उसे सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उसने अपनी टोकरी को उठाते हुए शी सेड टू हर हस्बैंड, अपने पति से बोली, आई एम ऑफ टू द बाजार, मुझे बाजार जाना है। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, अब वो कह रही है कि उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली, फ्रेंकली बोलते हैं ना, कि मतलब मैं बिना कुछ छुपाए
आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगू, कि मुझे, मैं अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, वो कह रहा है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान ने कहा, द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवले होते हैं वे फ्रेंडली एनिमल होते हैं। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, वो उतना ही प्यारा है जैसे कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और वे एक हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं जैसे कि तुम्हें पता है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, पत्नी जो थी किसान की वो चली गई और अब किसान के पास कोई भी काम करने के लिए नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, उसने क्या डिसाइड किया कि चलो बाहर चलते हैं और अपने खेतों पर एक नज़र डाल आते हैं। टेक अ लुक एट हिज फील्ड मतलब खेतों पर एक नज़र डालाना, जो कि बहुत दूर नहीं था, नॉट फार अवे। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, अब क्या हुआ, आते हुए उसे कुछ मित्र मिल गए। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्विट सम टाइम, अब उसे जो समय आने में लगता उसे थोड़ा और समय लग गया। इसमें कुछ और हाईलाइट दिए हुए हैं जो आने वाली स्टोरी के बारे में है, तो वो भी देख लेते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, जो किसान की पत्नी थी अब वो वापस घर आ गई है, उसके पास जो एक हैवी बास्केट है। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, उसने क्या देखा कि नेवले, जो नेवला है वो घर के मुख्य द्वार पर बैठा हुआ है जिसके मुंह और पैर पर खून लगा हुआ है। शी जंप टू द कंक्लूजन, उस वो अचानक ही निष्कर्ष पर चली गई दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि वो उसके बेटे का खून है। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और इस सब का जिम्मेदार कौन है, नेवला। चलिए अब नेक्स्ट आगे की कहानी शुरू होती है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, अब क्या है, किसान की वाइफ ने अपनी शॉपिंग ख़त्म की एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, अब वो वापस आई है अपने हाथ में एक ग्रोसरी से भरी हुई बास्केट लिए हुए। शी शो द मंगूज सीटिंग आउटसाइड, उसने क्या देखा कि जो नेवला है वो बाहर बैठा हुआ है, एज इफ वेटिंग फॉर अर, जैसे कि वो इसका इंतज़ार करता है। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर, उसे देखकर वह उसका वेलकम करने के लिए गया एज वॉज कस्टमरी, मतलब जैसे कि वो हमेशा ही करता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, अब जो है किसान की पत्नी ने उसे देखा, अब वो क्या देखती है, मतलब जैसे ही किसान की पत्नी ने उसे देखा और वो चिल्लाई, ब्लड, खून, शी क्राइड, वो बहुत तेज चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड, जब उसने देखा कि नेवला जो है उसके हाथ और पंजों पर खून से वो सना हुआ है, तो वो एकदम से डर गई और चिल्लाने लगी। अब वो कह रही है, यू विग्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुम दुष्ट जानवर, विग्ड का मतलब है दुष्ट, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। यहाँ पे स्मर्ड का मतलब है खून से सना हुआ। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, मतलब वो अब उसने एकदम से खून देखा तो वो अपने अपने मतलब कंट्रोल से अनियंत्रित हो गई, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, अब वो क्या है, वो गुस्से में अंधी हो गई। विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडिट, उसने क्या किया, वो जो टोकरी उसके हाथ में थी ग्रोसरी से भरी हुई, अपनी पूरी ताकत के साथ उसने नेवले पर पलट दी और कहाँ पे भागी, अपने बच्चे के पास जो कि झूले में लेटा हुआ था। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, अब वो क्या देखती है कि बच्चा तो सो रहा है, बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, वो क्या देखती है कि फर्श पर एक काला सांप कटा हुआ है और खून से लथपथ है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन,
इनर फ्लैश मतलब एकदम से उसे यह एहसास हुआ कि क्या हो गया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज, वो अचानक से बाहर गई नेवले को ढूंढने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अब वो कह रही है कि ओहो तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। वट हैव आई डन, और मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मोंगूज, वो उस नेवले को टच करके अब रोने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल, अब जो मरा हुआ है और शांत है। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो कि अब उसके वो जो रो रही है उसे वो अनभिज्ञ है। अनअवेयर मतलब उसे कुछ भी नहीं पता। द फार्मर्स वाइफ, किसान की जो पत्नी है, हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रशली, जिसने ऐसे एकदम से मतलब बिना सोचे समझे ऐसा काम किया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगूज, अब वो उस जो मरा हुआ नेवला है उसे लगातार देख रही है। देन शी हियर द बेबी क्राइंग, तभी अचानक उसने क्या हुआ, बेबी के रोने की आवाज़ सुनी। विपिंग हर टीयर अपने आंसुओं को पोंछते हुए शी वेंट इन टू फीड हिम, अब वो क्या हुआ उसे खाना खिलाने के लिए अंदर चली गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किया हुआ काम हमेशा ही कष्टपूर्ण होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी में कोई डाउट है, कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और हाँ, इनके क्वेश्चन आंसर भी मैं की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, और वो भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।